बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू बीकन हाउस ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरेवाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो इससे हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस साइड पे राइट साइड पे एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह इस साइड पर हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हमें प्रूव करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं। कि जैसा कि ये अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बाउंड्री एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 है और ये 360 डिग्री है। इन एंगल्स को, 90 डिग्री को, 180 को, 270 और 360 डिग्री को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं। और सेकंड नेम जो है इनका वो ये है कि 90, 180, 270 और 360 डिग्री को हम बाउंड्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते, बल्कि इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। ये चीज़ जहन में रखनी है। इसी तरह अब अगर ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है किसकी, एक्स की। ये जो अपवर्ड वाई एक्सिस है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई की, और लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है नेगेटिव। डाउनवर्ड वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इन बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें शो करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, 6 रेशियोज़ हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट के अंदर आल जो है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। सेकेंडली, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट जो है 2 रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और अदर जो 4 रेशियोज हैं, जो रिमेनिंग 4 रेशियोज हैं वो क्या हैं, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखते हैं कौन सी रेशियोज पॉजिटिव हैं। साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर हमारे पास ये कब पॉजिटिव होगा, व्हेन थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास अगर जो एंगल है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ पे थीटा अगर सेकंड में बन रहा है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इसी तरह सेकंड जो वैल्यू है वो कौन सी है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा और ये भी ग्रेटर देन पॉजिटिव लिखेंगे। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। एज कॉस थीटा है, टैन है, सीकेंट है, ठीक है, और कॉट है, ये सारे नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट की, व्हेन एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो हमारे पास कौन सी 2 रेशियोज पॉजिटिव होंगी, तो देखते हैं। टैन जो है, टैन थीटा पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास एंगल थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड टैन का जो रेसिप्रोकल है कॉट, कॉट भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और अदर 4 रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो थर्ड में नेगेटिव होंगी। तो अब आते हैं लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉज थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होगा तो कॉज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉज का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट थीटा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, सीकेंट जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अदर जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यहाँ पर क्या होंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये जो ड्रॉ किया है, सारा फिगर ड्रॉ किया है, इसमें देखने जैसे कि फर्स्ट में आल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव है,
थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है। आया कि ये कैसे पॉजिटिव है और बाकी जो फोर हैं वो कैसे नेगेटिव हैं, तो हमने इनको प्रूव करना है कि फर्स्ट के अंदर हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं। तो देखते हैं, अगेन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एक्स वाई एक्सिस जो है ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को नेगेटिव वैल्यू की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। लेफ्ट साइड पे अपवर्ड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस हैं और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो हम ड्रॉ करेंगे एंगल थीटा, यहाँ पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है जिसके कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एंगल अप्लाई हो रहा है थीटा, या इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट ट्राई एंगल बन गई। ये देखें, ये जो राइट ट्राइंगल की ये जो साइड है ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के, तो हम इसको नाम भी दे देंगे एक्स का, और हमने इस पी पॉइंट को भी कहा है एक्स वाई। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की है, तो ये एक्स एक्सिस पे होगी। सेकेंड वैल्यू जो है, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये किसके अलोंग है, पी इस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम दे देंगे वाई का। ठीक है, और ये ओरिजिन है हमारे पास, जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए पी, ओ ए भी रख सकते हैं, बी सी डी कुछ भी रख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एक राइट ट्राइंगल है, हमने ओ ए को कह दिया एक्स है और ए पी को कह दिया वाई है, लेकिन ओ पी हमारे पास क्या होगा, तो इसको हम नाम दे लेते हैं आर का। ठीक है, ओ पी नाम दे लेंगे आर, या कह लें जी भी आप कह सकते हैं। तो अब राइट ट्राइंगल है, इससे हम शो करेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आई कहाँ से हैं, वो भी एक्चुअल में हमारे पास राइट ट्राइंगल से ही ड्रॉ हुई हैं। तो हम राइट ट्राइंगल की हेल्प से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करेंगे कि फर्स्ट के अंदर कैसे ऑल पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास फर्स्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ले लेते हैं जी साइन थीटा, चूंकि हमने एंगल को नाम दिया, यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये जो साइड है परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है 90 का, तो ये साइड को हमने y का नाम दिया, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम पुट करेंगे y। ठीक है, इसी तरह हाइपोटेनियस हमारे पास है यहाँ पे r, तो इसको हमने नाम दे दिया r का, हाइपोटेनियस की जगह पे r पुट किया। याद रखें, ये जो वैल्यू है y एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया, ये y पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा पॉजिटिव y, और ये जो O से P, ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है, ये ऑलवेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसकी रीज़न क्या है, हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस स्केयर इक्वल बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, और उर्दू मीडियम वाले जो है वो मसला फिसागोरस के नाम से आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, रिजल्ट पढ़ा होगा कि वतर का स्केयर इक्वल कायदा का स्केयर जमा अमूद का स्केयर, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो इन्होंने पढ़ा होगा हाइपोटेनियस स्केयर इक्वल बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो अब हाइपोटेनियस के ऊपर स्केयर है, ठीक है, हाइपोटेनियस को हमने नाम दिया आर का, आर के ऊपर भी स्केयर आ गया, बेस जो है वो हमारे पास क्या है एक्स, ठीक है, और उसके ऊपर स्केयर, अगर x नेगेटिव भी होगा ऊपर स्केयर है इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, और अगर परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर स्केयर है तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इसको हमने नाम तो दिया है परपेंडिकुलर y का, तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करें तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। इस बेस पे r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगी। तो अब साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू पॉजिटिव y है, हाइपोटेनियस ऑलवेज भी पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। सपोज x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू 3 ले लें, तो जब आप, और ये हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 4 प्लस 9 स्केयर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। तो
तो अब जब आप पॉजिटिव वैल्यू 3 को स्क्वायर रूट 13 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 13, 3 को जब स्क्वायर रूट 13 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास साइन की वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, व्हेन कॉस थीटा किसके इक्वल पड़ा है, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास आल्सो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा पॉजिटिव एक्स, ठीक है, एक्स से यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये जो मैंने नाम दिए हैं एक्स वाई और आर साइड्स को नाम दिए, एक्स इज एनी रियल नंबर, वाई इज आल्सो एनी रियल नंबर एंड देन आर इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस चूंकि पॉजिटिव है तो जब पॉजिटिव वैल्यू रैंडमली कोई भी आप रियल नंबर पुट कर लें तो चेक करेंगे जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन, उसकी बात करते हैं, टैन थीटा को हमने पढ़ा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास y है, बेस की वैल्यू x है और ये दोनों पॉजिटिव हैं, y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, अगेन पॉजिटिव को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, रह कितनी गई रहेगी, तीन जो है वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसिकेंट किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के इक्वल होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है तो सीकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होगा, वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी तरह टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, कॉट का जो रेसिप्रोकल है वो टैन है, ठीक है, यानी एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल हैं, तो कॉट किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये शो हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, अगर हमारे पास थीटा जो है, ठीक है, अगर हमारे पास थीटा हम ड्रॉ कर लेते हैं जी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 है थीटा, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को P, को ही हमारे पास एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया B के ऊपर, ये ओरिजिन O है। तो अब ये जो वैल्यू ये वाली ओरिजिन से इस B पॉइंट तक किसके अलोंग है, नेगेटिव X एक्सिस के, तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी है फिर, नेगेटिव X, क्लियर, और ये जो पॉइंट है P से B तक का डिस्टेंस ये किसके अलोंग है, इस पॉजिटिव Y एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव y, x और y इज एनी रियल नंबर, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे अगेन r का, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हम पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट ही क्यों पॉजिटिव हैं, बाकी पॉजिटिव क्यों नहीं है, बाकी नेगेटिव क्यों है, तो उसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगेन यही रेशियोज हम यूज़ करेंगे, साइन कॉज और टैन के ये वाले फॉर्मूला। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाई ओवर हाइपोटेन्यूस, हमारे पास मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन तो शो हो गया कि सेकंड में ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब साइन का रेसिप्रोकल भी साथ ही शो करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट दोनों ही पॉजिटिव है, तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, चूंकि साइन का ये रेसिप्रोकल है, इसी फार्मूले का आप रेसिप्रोकल ले लें, उलट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आर ओवर पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर अगेन क्या आया, पॉजिटिव।
अब अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे हैं, क्योंकि सेकंड में जस्ट टू रेशियोज पॉजिटिव थी जिनको हमने शो कर लिए। अब बाकी जो फोर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे आती हैं। कॉस कॉस थीटा जो है वो सेकंड में नेगेटिव है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस की शॉर्ट फॉर्म में मैं HYP राइट कर रहा हूँ। तो बेस की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव एक्स, ये बेस है हमारे पास जो कि नेगेटिव एक्स है, तो बेस की जगह पर नेगेटिव एक्स पुट किया। हाइपोटेन्यूस आर जो है ये क्या है, पॉजिटिव। तो अब अगर आप देखें कि जब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। सपोज मैं डिवाइड करता हूँ -5 को +2 पे डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो ये आंसर 2.5 आ जाएगा और माइनस में आ रहा है। तो इट्स मीन ये शो हुआ कि नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव प्रूव हो गया। इसी तरह सेकंड जो रेशियो है कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, सीकेंट थीटा भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है यहाँ पे, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करते हैं अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब सेकंड जो थर्ड पे है टेन, टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, टेन को शो कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है और बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड किया जाता है आंसर क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है। टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट भी यहां पे क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, क्या आ जाएगा फिर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है, तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। तो ये शो हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी कॉस सिकेंट टेन एंड कॉट ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जस्ट दो रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी जो हैं वो सारी क्या हैं, नेगेटिव हैं। दो रेशियो कौन सी थर्ड में पॉजिटिव हैं, टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। तो अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, उसके साथ एंगल जहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, थीटा, ठीक है, थीटा एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। ये जो वैल्यू है बी से पी ये किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के, लेकिन डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव वाई, ठीक है। ये वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की है कि ये किसके इक्वल है, नेगेटिव एक्स के इक्वल है, और ये जो है ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस आर। यहाँ पे चूंकि एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और उसको हमने नाम दे दिया स्मॉल आर का। तो अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, के थर्ड में टेन और कॉट ही पॉजिटिव हैं, अदर जो हैं वो क्यों पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो क्यों कैसे। तो टेन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू नेगेटिव है, बेस की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव पे ही डिवाइड करते हैं तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो शो हुआ कि थर्ड में टेन पॉजिटिव है। अब बात करेंगे टेन के रेसिप्रोकल की, कॉट, कॉट थीटा इक्वल किसके है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस भी नेगेटिव एक्स है और परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव वाई, ये परपेंडिकुलर है
और ये बेस है नेगेटिव और दोनों नेगेटिव है। अगेन नेगेटिव और नेगेटिव आपस में यानी माइनस और माइनस कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये तो प्रूफ हो गया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने रेशियोज राइट की थी टैन और कॉट ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो है वो नेगेटिव है। तो साइन की बात करेंगे, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है नेगेटिव y और हाइपोटेनियस r, जो कि पहले ही मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दी कि r जो होगा ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। तो पॉजिटिव r, तो नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो अब बात करेंगे साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ठीक है, ऑरली इसको मैं बता रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट। कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आर ऊपर आएगा नेगेटिव आई नीचे आ जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल जो है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन नेगेटिव आ जाएगा, यानी कोसिकेंट भी क्या हो गया नेगेटिव। इसी तरह कॉस को डिस्कस कर लेते हैं, कॉस हीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है पॉजिटिव आर। जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आना है नेगेटिव। तो शो हो गया कि थर्ड में जस्ट टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी साइन कोसिकेंट कॉस और सिकेंट नेगेटिव है। कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट है, इसको भी ऑरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस आएगा सिकेंट थीटा, हाइपोटेनियस की वैल्यू पॉजिटिव है, बेस की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव को जब नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो इसलिए बेस पे हम कह सकते हैं कि थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव है और अदर साइन कॉस सिकेंट और कोसिकेंट क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास अगर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियोज पॉजिटिव थी, एक था कॉस थीटा और था सिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव थी, बाकी जो थी वो चार नेगेटिव थी। तो फोर्थ में हम एंगल ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा बन रहा है एंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये किस एक्सिस के अलोंग है एक्स एक्सिस के, और इधर ये एक्स एक्सिस कौन सी साइड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव एक्स होगा। ये पॉइंट पी एक्स वाई इसको नाम देंगे और ये जो हमने वैल्यू लिया ये किसके अलोंग है नेगेटिव वाई एक्सिस के, तो ये क्या होगा नेगेटिव वाई, और ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो आर का नाम दे देंगे इसे, ठीक है। अब थर्ड में हमने ये शो करना है कि कॉस और सिकेंट पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास ये है, बेस पॉजिटिव एक्स है, तो बेस की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, हाइपोटेनियस आर आल्सो जो है वो क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर बी क्या आता है पॉजिटिव। अब कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा किसके इक्वल है हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस बी हमारे पास पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब रह गई चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो नेगेटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, वो कौन सी हैं कॉस सिकेंट पॉजिटिव है, तो जो बाकी चार हैं साइन टैन कॉट कोसिकेंट ये नेगेटिव हैं। तो साइन किसके इक्वल है साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे नेगेटिव है नेगेटिव वाई, हाइपोटेनियस क्या है पॉजिटिव आर, ठीक है। तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसिकेंट, ऑरली इसको डिस्कस कर लेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो जब हाइपोटेनियस पॉजिटिव है परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो अब लास्ट जो है वो हम टैन को डिस्कस करेंगे, टैन थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई ओवर
पॉजिटिव एक्स, क्योंकि बेस ये है पॉजिटिव एक्स है, तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन क्या आएगा, नेगेटिव। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है उसको भी ऑरली डिस्कस कर लेते हैं। कॉट थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव बेस है, नेगेटिव परपेंडिकुलर है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन नेगेटिव आएगा। तो शो ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट जो है ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो है साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरेवाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो इससे हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस साइड पे राइट साइड पे एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह इस साइड पर हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हमें प्रूव करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं। कि जैसा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बाउंड्री एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 है और ये 360 डिग्री है। इन एंगल्स को 90 डिग्री को, 180 को, 270 और 360 डिग्री को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं, ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं। और सेकंड नेम जो है इनका वो ये है कि 90, 180, 270 और 360 डिग्री को हम बाउंड्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते, बल्कि इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, ये चीज़ जहन में रखनी है। इसी तरह अब अगर ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है किसकी, एक्स की। ये जो अपवर्ड वाई एक्सिस है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई की, और लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है नेगेटिव। डाउनवर्ड वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इन बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें शो करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट के अंदर आल जो है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। सेकेंडली, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट जो है 2 रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और अदर जो 4 रेशियोज हैं, जो रिमेनिंग 4 रेशियोज हैं वो क्या हैं, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखते हैं कौन सी रेशियोज पॉजिटिव हैं। साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर हमारे पास ये कब पॉजिटिव होगा, व्हेन थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास अगर जो एंगल है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ पे थीटा अगर सेकंड में बन रहा है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इसी तरह सेकंड जो वैल्यू है वो कौन सी है, कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा और ये भी ग्रेटर देन पॉजिटिव लिखेंगे। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। एज कॉस थीटा है, टेन है, सीकेंट है, ठीक है, और कॉट है, ये सारे नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट की, व्हेन एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो हमारे पास कौन सी 2 रेशियोज पॉजिटिव होंगी। तो देखते हैं, टेन जो है, टेन थीटा पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास एंगल थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड टेन का जो रेसिप्रोकल है कॉट, कॉट भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और अदर 4 रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो थर्ड में
नेगेटिव होंगी। तो अब आते हैं लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉज थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होगा तो कॉज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉज का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट थीटा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं सीकेंट जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यहाँ पर क्या होंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये जो ड्रॉ किया है, सारा फिगर ड्रॉ किया है, इसमें देखने जैसे कि फर्स्ट में आल पॉजिटिव है, सेकेंड में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है। आया कि ये कैसे पॉजिटिव हैं और बाकी जो फोर हैं वो कैसे नेगेटिव हैं। तो हमने इनको प्रूव करना है कि फर्स्ट के अंदर हमारे पास आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं। तो देखते हैं, अगेन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एक्स वाई एक्सिस जो है ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को नेगेटिव वैल्यू की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। लेफ्ट साइड पे अपवर्ड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस हैं और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ड्रॉ करेंगे एंगल थीटा, यहाँ पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है जिसके कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एंगल अप्लाई हो रहा है थीटा, या इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट ट्राई एंगल बन गई। ये देखें, ये जो राइट ट्राइंगल की ये जो साइड है ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के। तो हम इसको नाम भी दे देंगे एक्स का, और हमने इस पी पॉइंट को भी कहा है एक्स वाई। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की है, तो ये एक्स एक्सिस पे होगी। सेकेंड वैल्यू जो है, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये किसके अलोंग है, पी इस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम दे देंगे वाई का, ठीक है। और ये ओरिजिन है हमारे पास, जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए पी, ओ ए भी रख सकते हैं, बी सी डी कुछ भी रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक राइट ट्राइंगल है, हमने ओ ए को कह दिया एक्स है और ए पी को कह दिया वाई है, लेकिन ओ पी हमारे पास क्या होगा, तो इसको हम नाम दे लेते हैं आर का, ठीक है। ओ पी नाम दे लेंगे आर, या कह लें जी भी आप कह सकते हैं। तो अब राइट ट्राइंगल है, इससे हम शो करेंगे कि आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आई कहाँ से हैं, वो भी एक्चुअल में हमारे पास राइट ट्राइंगल से ही ड्रॉ हुई हैं। तो हम राइट ट्राइंगल की हेल्प से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करेंगे कि फर्स्ट के अंदर कैसे आल पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास फर्स्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ले लेते हैं जी साइन थीटा, चूंकि हमने एंगल को नाम दिया, यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये जो साइड है परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है 90 का, तो ये साइड को हमने वाई का नाम दिया, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम पुट करेंगे वाई, ठीक है। इसी तरह हाइपोटेनियस हमारे पास है यहाँ पे आर, तो इसको हमने नाम दे दिया आर का, हाइपोटेनियस की जगह पे आर पुट किया। याद रखें ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया, ये वाई पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा पॉजिटिव वाई। और ये जो ओ से पी, ओरिजिन से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है, ये ऑलवेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसकी रीजन क्या है, हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, और उर्दू मीडियम वाले जो है वो मसला फिसागोरस के नाम से आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, रिजल्ट पढ़ा होगा कि वतर का स्केयर इक्वल कायदा का स्केयर जमा अमूद का स्केयर। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो इन्होंने पढ़ा होगा हाइपोटेनियस स्केयर इक्वल बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो अब हाइपोटेनियस के ऊपर स्केयर है, ठीक है, हाइपोटेनियस को हमने नाम दिया आर का, आर के ऊपर भी स्केयर आ गया। बेस जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स, ठीक है, और उसके ऊपर स्केयर। अगर एक्स नेगेटिव भी होगा ऊपर स्केयर है, इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव,
और अगर परपेंडिकुलर बी नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर स्क्वायर है, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इसको हमने नाम तो दिया है परपेंडिकुलर वाई का, तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करें तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। इस बेस पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगी। तो अब साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू पॉजिटिव वाई है, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। सपोज एक्स की वैल्यू 2 ले लें, वाई की वैल्यू 3 ले लें, तो जब आप और ये हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 4 प्लस 9 स्केयर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप पॉजिटिव वैल्यू 3 को स्केयर रूट 13 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस स्केयर रूट 13, 3 को जब स्केयर रूट 13 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास साइन की वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, व्हेन कॉस थीटा किसके इक्वल पड़ा है, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास आल्सो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा पॉजिटिव एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये जो मैंने नाम दिए हैं एक्स वाई और आर साइड्स को नाम दिए, एक्स इज एनी रियल नंबर, वाई इज आल्सो एनी रियल नंबर, एंड देन आर इज आल्सो आ रियल नंबर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस चूंकि पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू रैंडमली कोई भी आप रियल नंबर पुट कर लें तो चेक करेंगे जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन, उसकी बात करते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा को हमने पढ़ा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास y है, बेस की वैल्यू x है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। अगेन पॉजिटिव को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे हमारे पास जिनकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रह कितनी कहीं रहेगी, तीन, तीन जो है वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के इक्वल होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो सीकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होगा, वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी तरह टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, कॉट का जो रेसिप्रोकल है वो टेन है, ठीक है, यानी एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है, तो कॉट किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये शो हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अगर हमारे पास थीटा जो है, ठीक है, अगर हमारे पास थीटा हम ड्रॉ कर लेते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 है थीटा, ठीक है, और इस ना इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को पी, कोई हमारे पास एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी के ऊपर, ये ओरिजिन ओ है। तो अब ये जो वैल्यू ये वाली ओरिजिन से इस बी पॉइंट तक किसके अलोंग है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के, तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी है फिर, नेगेटिव एक्स, क्लियर। और ये जो पॉइंट है पी से बी तक का डिस्टेंस, ये किसके अलोंग है, इस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव वाई, एक्स और वाई इज एनी रियल नंबर, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे अगेन आर का, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हम पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट ही क्यों पॉजिटिव हैं, बाकी पॉजिटिव क्यों नहीं है, बाकी नेगेटिव क्यों है, तो उसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगेन यही रेशियोज हम यूज़ करेंगे, साइन कॉस और टैन के ये वाले फॉर्मूला। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास, मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा,
पॉजिटिव। तो साइन तो शो हो गया कि सेकंड में ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब साइन का रेसिप्रोकल भी साथ ही शो करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों ही पॉजिटिव है। तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, चूंकि साइन का ये रेसिप्रोकल है, इसी फार्मूले का आप रेसिप्रोकल ले लें, उलट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आर, पॉजिटिव आर ओवर पॉजिटिव वाई। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर अगेन क्या आया, पॉजिटिव। अब अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे हैं, क्योंकि सेकंड में जस्ट टू रेशियोज पॉजिटिव थी जिनको हमने शो कर लिया। अब बाकी जो फोर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे आती हैं। कॉस कॉस थीटा जो है वो सेकंड में नेगेटिव है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस की शॉर्ट फॉर्म में मैं HYP राइट कर रहा हूँ। तो बेस की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव एक्स, ये बेस है हमारे पास जो कि नेगेटिव एक्स है, तो बेस की जगह पर नेगेटिव एक्स पुट किया। हाइपोटेन्यूस आर जो है ये क्या है, पॉजिटिव। तो अब अगर आप देखें कि जब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। सपोज मैं डिवाइड करता हूँ -5 को +2 पे डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो ये आंसर 2.5 आ जाएगा और माइनस में आ रहा है। तो इट्स मीन ये शो हुआ कि नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव प्रूव हो गया। इसी तरह सेकंड जो रेशियो है कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, सीकेंट थीटा भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है यहाँ पे, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करते हैं अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब सेकंड जो थर्ड पे है टेन, टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, टेन को शो कर लेते हैं, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है और बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है। तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड किया जाता है आंसर क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट भी यहाँ पे क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल है, कॉट क्या आ जाएगा फिर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है, तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। तो ये शो हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट साइन और कोसिकेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी कॉस सिकेंट टेन एंड कॉट ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जस्ट दो रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी जो हैं वो सारी क्या हैं, नेगेटिव हैं। दो रेशियो कौन सी थर्ड में पॉजिटिव हैं, टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। तो अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, उसके साथ एंगल जहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, थीटा। ठीक है, थीटा एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये जो वैल्यू है बी से पी ये किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के, लेकिन डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव वाई। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की है कि ये किसके इक्वल है, नेगेटिव एक्स के इक्वल है, और ये जो है ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस आर। यहाँ पे चूंकि एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और उसको हमने नाम दे दिया स्मॉल आर का। तो अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, के थर्ड में टेन और कॉट ही पॉजिटिव हैं, अदर जो हैं वो क्यों पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो क्यों कैसे। तो टेन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर
बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू नेगेटिव है, बेस की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव पे ही डिवाइड करते हैं तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो शो हुआ कि थर्ड में टेन पॉजिटिव है। अब बात करेंगे टेन के रेसिप्रोकल की, कॉट, कॉट थीटा इक्वल किसके है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस भी नेगेटिव एक्स है और परपेंडिकुलर क्या है? नेगेटिव वाई। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, नेगेटिव और दोनों नेगेटिव है। अगेन नेगेटिव और नेगेटिव आपस में, यानी माइनस और माइनस कैंसिल होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये तो प्रूफ हो गया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने रेशियोज राइट की थी, टेन और कॉट, ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो साइन की बात करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? नेगेटिव वाई, और हाइपोटेनियस आर, जो कि पहले ही मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दी कि आर जो होगा ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो पॉजिटिव आर। तो नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है? नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो अब बात करेंगे साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, ठीक है। ऑरली इसको मैं बता रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आर ऊपर आएगा, नेगेटिव आई नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे, अगेन नेगेटिव आ जाएगा, यानी कोसिकेंट भी क्या हो गया? नेगेटिव। इसी तरह कॉस को डिस्कस कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे? नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है? पॉजिटिव आर। जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आना है? नेगेटिव। तो शो हो गया कि थर्ड में जस्ट टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी साइन कोसिकेंट कॉस और सिकेंट नेगेटिव है। कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट है, इसको भी ऑरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस आएगा सिकेंट थीटा, हाइपोटेनियस की वैल्यू पॉजिटिव है, बेस की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव को जब नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसलिए बेस पे हम कह सकते हैं कि थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव है और अदर साइन कॉस सिकेंट और कोसिकेंट क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास अगर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियोज पॉजिटिव थी? एक था कॉस थीटा और था सिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव थी, बाकी जो थी वो चार नेगेटिव थी। तो फोर्थ में हम एंगल ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा बन रहा है एंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के, और इधर ये एक्स एक्सिस कौन सी साइड एक्स एक्सिस की? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव एक्स होगा, ये पॉइंट पी एक्स वाई इसको नाम देंगे, और ये जो हमने वैल्यू ली है ये किसके अलोंग है? नेगेटिव वाई एक्सिस के, तो ये क्या होगा? नेगेटिव वाई, और ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो आर का नाम दे देंगे इसे, ठीक है। अब थर्ड में हमने ये शो करना है कि कॉस और सिकेंट पॉजिटिव हैं, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास ये है, बेस पॉजिटिव एक्स है, तो बेस की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। हाइपोटेनियस आर आल्सो जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर बी क्या आता है? पॉजिटिव। अब कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा किसके इक्वल है? हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस भी हमारे पास पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब रह गई चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो नेगेटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, वो कौन सी हैं? कॉस सिकेंट पॉजिटिव है, तो जो बाकी चार हैं साइन टेन कॉट कोसिकेंट ये नेगेटिव है। तो साइन किसके इक्वल है? साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाई। हाइपोटेनियस क्या है? पॉजिटिव आर, ठीक है। तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट, ऑरली इसको डिस्कस कर लेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा,
तो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो जब हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब लास्ट जो है वो हम टैन को डिस्कस करेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई ओवर पॉजिटिव एक्स, क्योंकि बेस ये है पॉजिटिव एक्स है। तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन क्या आएगा, नेगेटिव। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है उसको भी ऑरली डिस्कस कर लेते हैं। कॉट थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव बेस है, नेगेटिव परपेंडिकुलर है। तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन नेगेटिव आएगा। तो शो ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट जो है ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो है साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरेवाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो इससे हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस साइड पे राइट साइड पे एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह इस साइड पर हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हमें प्रूव करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं। कि जैसा कि अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बाउंड्री एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 है और ये 360 डिग्री है। इन एंगल्स को 90 डिग्री को, 180 को, 270 और 360 डिग्री को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं। ये MCQs भी है, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं। और सेकंड नेम जो है इनका वो ये है कि 90, 180, 270 और 360 डिग्री को हम बाउंड्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते, बल्कि इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। ये चीज़ जहन में रखनी है। इसी तरह अब अगर ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है किसकी, एक्स की। ये जो अपवर्ड वाई एक्सिस है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई की, और लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है नेगेटिव। डाउनवर्ड वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इन बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें शो करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट के अंदर आल जो है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। सेकेंडली, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट जो है 2 रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और अदर जो 4 रेशियोज हैं, जो रिमेनिंग 4 रेशियोज हैं वो क्या हैं, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखते हैं कौन सी रेशियोज पॉजिटिव हैं। साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर हमारे पास ये कब पॉजिटिव होगा, व्हेन थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास अगर जो एंगल है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ पे थीटा अगर सेकंड में बन रहा है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इसी तरह सेकंड जो वैल्यू है वो कौन सी है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा और ये भी ग्रेटर देन पॉजिटिव लिखेंगे। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। जे एज कॉस थीटा है, टैन है, सीकेंट है, ठीक है, और कॉट है, ये सारे नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट की, व्हेन एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो हमारे पास कौन सी दो रेशोज पॉजिटिव होंगी, तो देखते हैं टैन जो है टैन थीटा पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास एंगल थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड टैन का जो रेसिप्रोकल है कॉट कॉट भी यहां पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और अदर फोर रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो थर्ड में नेगेटिव होंगी। तो अब आते हैं लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉज थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होगा तो कॉज की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, और कॉज का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट थीटा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं सीकेंट जो है वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यहाँ पर क्या होंगी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये जो ड्रॉ किया सारा फिगर ड्रॉ किया है इसमें देखने जैसे कि फर्स्ट में आल पॉजिटिव है, सेकेंड में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, आया कि ये कैसे पॉजिटिव हैं और बाकी जो फोर हैं वो कैसे नेगेटिव हैं, तो हमने इनको प्रूव करना है कि फर्स्ट के अंदर हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं। तो देखते हैं अगेन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एक्स वाई एक्सिस जो है ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को नेगेटिव वैल्यू की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस हैं और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ड्रॉ करेंगे एंगल थीटा, यहाँ पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है जिसके कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एंगल अप्लाई हो रहा है थीटा, या इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बन गई एक राइट ट्राई एंगल बन गई। ये देखें ये जो राइट ट्राइंगल की ये जो साइड है ये किस एक्सिस के अलोंग है एक्स एक्सिस के, तो हम इसको नाम भी दे देंगे एक्स का, और हमने इस पी पॉइंट को भी कहा है एक्स वाई, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की है तो ये एक्स एक्सिस पे होगी, सेकेंड वैल्यू जो है ये जो डिस्टेंस हमने लिया है परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये किसके अलोंग है पी इस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम दे देंगे वाई का, ठीक है। और ये ओरिजिन है हमारे पास जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए पी, ओ ए भी रख सकते हैं, बी सी डी कुछ भी रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक राइट ट्राइंगल है, हमने ओ ए को कह दिया एक्स है और ए पी को कह दिया वाई है, लेकिन ओ पी हमारे पास क्या होगा तो इसको हम नाम दे लेते हैं आर का, ठीक है, ओ पी नाम दे लेंगे आर, या कह लें जी भी आप कह सकते हैं। तो अब राइट ट्राइंगल है इससे हम शो करेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आई कहाँ से हैं, वो भी एक्चुअल में हमारे पास राइट ट्राइंगल से ही ड्रॉ हुई हैं। तो हम राइट ट्राइंगल की हेल्प से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करेंगे कि फर्स्ट के अंदर कैसे ऑल पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास फर्स्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ले लेते हैं जी साइन थीटा, चूंकि हमने एंगल को नाम दिया यहाँ पे, साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये जो साइड है परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है 90 का, तो ये साइड को हमने वाई का नाम दिया तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम पुट करेंगे वाई, ठीक है। इसी तरह हाइपोटेनियस हमारे पास है यहाँ पे आर, तो इसको हमने नाम दे दिया आर का, हाइपोटेनियस की जगह पे आर पुट किया। याद रखें ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया ये वाई पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा पॉजिटिव वाई, और ये जो ओ से पी ओरिजिन से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है ये ऑलवेज भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसकी रीजन क्या है, हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, और उर्दू मीडियम वाले जो है वो मसला फिसा गोरस के नाम से आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, रिजल्ट पढ़ा होगा,
कि वतर का स्केयर इक्वल कायदा का स्केयर जमा अमूद का स्केयर, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो इन्होंने पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूस स्केयर इक्वल बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो अब हाइपोटेन्यूस के ऊपर स्केयर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस को हमने नाम दिया आर का, आर के ऊपर भी स्केयर आ गया, बेस जो है वो हमारे पास क्या है एक्स, ठीक है, और उसके ऊपर स्केयर। अगर एक्स नेगेटिव भी होगा ऊपर स्केयर है इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, और अगर परपेंडिकुलर बी नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर स्केयर है तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इसको हमने नाम तो दिया है परपेंडिकुलर वाई का, तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करें तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। इस बेस पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगी। तो अब साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू पॉजिटिव वाई है, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज भी पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। सपोज एक्स की वैल्यू 2 ले लें वाई की वैल्यू 3 ले लें, तो जब आप और ये हमारे पास क्या आएगा 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 4 प्लस 9 स्केयर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप पॉजिटिव वैल्यू 3 को स्केयर रूट 13 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूस स्केयर रूट 13, 3 को जब स्केयर रूट 13 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास साइन की वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, व्हेन कॉस थीटा किसके इक्वल पड़ा है, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास आल्सो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा पॉजिटिव एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये जो मैंने नाम दिए हैं एक्स वाई और आर साइड्स को नाम दिए, एक्स इज एनी रियल नंबर, वाई इज आल्सो एनी रियल नंबर एंड देन आर इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस चूंकि पॉजिटिव है तो जब पॉजिटिव वैल्यू रैंडमली कोई भी आप रियल नंबर पुट कर लें तो चेक करेंगे जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन उसकी बात करते हैं, टैन थीटा, टैन थीटा को हमने पढ़ा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास y है बेस की वैल्यू x है और ये दोनों पॉजिटिव हैं, y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, अगेन पॉजिटिव को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे हमारे पास जिनकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, रह कितनी कहीं रहेगी तीन, तीन जो है वो भी क्या होंगी पॉजिटिव होंगी क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है कोसिकेंट, कोसिकेंट किसके इक्वल है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के इक्वल होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है तो सीकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होगा, वो भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी तरह टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, कॉट का जो रेसिप्रोकल है वो टैन है, ठीक है, यानी एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है, तो कॉट किसके इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये शो हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या हैं पॉजिटिव हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अगर हमारे पास थीटा जो है, ठीक है, अगर हमारे पास थीटा हम ड्रॉ कर लेते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 है थीटा, ठीक है, और इस ना इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को पी, कोई हमारे पास एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया बी के ऊपर, ये ओरिजिन ओ है। तो अब ये जो वैल्यू ये वाली ओरिजिन से इस बी पॉइंट तक किसके अलोंग है नेगेटिव एक्स एक्सिस के, तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी है फिर नेगेटिव एक्स, क्लियर, और ये जो पॉइंट है पी से बी तक का डिस्टेंस ये किसके अलोंग है इस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव वाई, एक्स और वाई इज एनी रियल नंबर, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे अगेन आर का, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हम पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट ही क्यों पॉजिटिव हैं, बाकी पॉजिटिव क्यों नहीं है, बाकी नेगेटिव क्यों है, तो उसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगेन यही रेशियोज हम यूज़ करेंगे साइन कॉस और टैन के ये वाले फॉर्मूला। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है,
साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास, मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन तो शो हो गया कि सेकंड में ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब साइन का रेसिप्रोकल भी साथ ही शो करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट दोनों ही पॉजिटिव है, तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, चूंकि साइन का ये रेसिप्रोकल है, इसी फार्मूले का आप रेसिप्रोकल ले लें, उलट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आर, पॉजिटिव आर ओवर पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर अगेन क्या आया, पॉजिटिव। अब अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे हैं, क्योंकि सेकंड में जस्ट टू रेशियोज पॉजिटिव थी जिनको हमने शो कर लिया। अब बाकी जो फोर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे आती हैं, कॉस, कॉस थीटा जो है वो सेकंड में नेगेटिव है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस की शॉर्ट फॉर्म में मैं एच वाई पी राइट कर रहा हूँ, तो बेस की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव एक्स, ये बेस है हमारे पास जो कि नेगेटिव एक्स है, तो बेस की जगह पर नेगेटिव एक्स पुट किया, हाइपोटेनियस आर जो है ये क्या है, पॉजिटिव। तो अब अगर आप देखें कि जब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, सपोज मैं डिवाइड करता हूँ माइनस फाइव को प्लस टू पे डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो ये आंसर 2.5 आ जाएगा और माइनस में आ रहा है, तो इट्स मीन ये शो हुआ कि नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव प्रूव हो गया। इसी तरह सेकंड जो रेशियो है कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, सीकेंट थीटा भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का रेसिप्रोकल है हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है यहाँ पे, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करते हैं अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब सेकंड जो थर्ड पे है टेन, टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, टेन को शो कर लेते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है और बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड किया जाता है आंसर क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट भी यहाँ पे क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल है, कॉट क्या आ जाएगा फिर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है, तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। तो ये शो हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट साइन और कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव हैं, बाकी कॉस सेकंड टेन एंड कॉट ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जस्ट दो रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी जो हैं वो सारी क्या हैं, नेगेटिव हैं। दो रेशियो कौन सी थर्ड में पॉजिटिव हैं, टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, तो अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी एक्स वाई है उसके साथ एंगल जहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, थीटा, ठीक है, थीटा एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये जो वैल्यू है बी से पी ये किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के, लेकिन डाउनवर्ड y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो b से p तक का जो डिस्टेंस होगा वो वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव y, ठीक है, ये वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की है कि ये किसके इक्वल है, नेगेटिव x के इक्वल है, और ये जो है ओरिजिन से p तक का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं हाइपो
टीनियस आर, यहाँ पे चूंकि एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइपोटीनियस बोलते हैं, और उसको हमने नाम दे दिया स्मॉल आर का। तो अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कि थर्ड में टैन और कॉट ही पॉजिटिव हैं, अदर जो हैं वो क्यों पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो क्यों, कैसे। तो टैन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू नेगेटिव है, बेस की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव पे ही डिवाइड करते हैं तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो शो हुआ कि थर्ड में टैन पॉजिटिव है। अब बात करेंगे टैन के रेसिप्रोकल की, कॉट, कॉट थीटा इक्वल किसके है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस भी नेगेटिव एक्स है और परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव वाई, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव हैं, अगेन नेगेटिव और नेगेटिव आपस में, यानी माइनस और माइनस कैंसिल होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये तो प्रूफ हो गया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने रेशियोज राइट की थी, टैन और कॉट ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो है वो नेगेटिव है। तो साइन की बात करेंगे, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाई, और हाइपोटेनियस आर, जो कि पहले ही मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दी कि आर जो होगा ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो पॉजिटिव आर, तो नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो अब बात करेंगे साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, ठीक है, ऑरली इसको मैं बता रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आर ऊपर आएगा, नेगेटिव आई नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे, अगेन नेगेटिव आ जाएगा, यानी कोसिकेंट भी क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरह कॉस को डिस्कस कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेगेटिव एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव आर, जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आना है, नेगेटिव। तो शो हो गया कि थर्ड में जस्ट टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी साइन कोसिकेंट कॉस और सिकेंट नेगेटिव है, कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट है, इसको भी ऑरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस आएगा सिकेंट थीटा, हाइपोटेनियस की वैल्यू पॉजिटिव है, बेस की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव को जब नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए बेस पे हम कह सकते हैं कि थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव है और अदर साइन कॉस सिकेंट और कोसिकेंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास अगर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियोज पॉजिटिव थी, एक था कॉस थीटा और था सिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव थी, बाकी जो थी वो चार नेगेटिव थी। तो फोर्थ में हम एंगल ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा बन रहा है एंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के, और इधर ये एक्स एक्सिस कौन सी साइड एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होगा, ये पॉइंट पी एक्स वाई इसको नाम देंगे, और ये जो हमने वैल्यू ली है ये किसके अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वाई, और ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो आर का नाम दे देंगे इसे, ठीक है। अब थर्ड में हमने ये शो करना है कि कॉस और सिकेंट पॉजिटिव हैं, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास ये है, बेस पॉजिटिव एक्स है, तो बेस की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, हाइपोटेनियस आर आल्सो जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर बी क्या आता है, पॉजिटिव। अब कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस भी हमारे पास पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब रह गई चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो नेगेटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, वो कौन सी हैं, कॉस सिकेंट पॉजिटिव है, तो जो बाकी चार हैं साइन टैन कॉट कोसिकेंट ये नेगेटिव है, तो साइन किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर
ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाई, हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव आर, ठीक है। तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, ऑरली इसको डिस्कस कर लेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा। तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, तो जब हाइपोटेनियस पॉजिटिव है परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब लास्ट जो है वो हम टैन को डिस्कस करेंगे, टैन थीटा, टैन थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई ओवर पॉजिटिव एक्स, क्योंकि बेस ये है पॉजिटिव एक्स है। तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन क्या आएगा, नेगेटिव। तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, उसको भी ऑरली डिस्कस कर लेते हैं, कॉट थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव बेस है, नेगेटिव परपेंडिकुलर है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन नेगेटिव आएगा। तो शो ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट जो है ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो है साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, टैन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरीवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो इससे हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस साइड पे राइट साइड पे एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह इस साइड पर हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हमें प्रूव करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं, कि जैसा कि अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बाउंड्री एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 है और ये 360 डिग्री है। इन एंगल्स को 90 डिग्री को, 180 को, 270 और 360 डिग्री को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं, ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं। और सेकंड नेम जो है इनका वो ये है कि 90, 180, 270 और 360 डिग्री को हम बाउंड्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते, बल्कि इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, ये चीज़ जहन में रखनी है। इसी तरह अब अगर ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है किसकी, एक्स की, ये जो अपवर्ड वाई एक्सिस है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई की, और लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है नेगेटिव, डाउनवर्ड वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इन बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें शो करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट के अंदर आल जो है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। सेकेंडली, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट जो है 2 रेशियोज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और अदर जो 4 रेशियोज हैं, जो रिमेनिंग 4 रेशियोज हैं वो क्या है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखते हैं कौन सी रेशियोज पॉजिटिव है, साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर हमारे पास ये कब पॉजिटिव होगा, व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास अगर जो एंगल है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ पे थीटा अगर सेकंड में बन रहा है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इसी तरह
सेकंड जो वैल्यू है वो कौन सी है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा और ये भी ग्रेटर देन पॉजिटिव लिखेंगे। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। एज कॉस थीटा है, टेन है, सीकेंट है, ठीक है, और कॉट है, ये सारे नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट की, व्हेन एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो हमारे पास कौन सी दो रेशियोज पॉजिटिव होंगी, तो देखते हैं टेन जो है टेन थीटा पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास एंगल थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड टेन का जो रेसिप्रोकल है कॉट, कॉट भी यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और अदर फोर रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो थर्ड में नेगेटिव होंगी। तो अब आते हैं लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होगा तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट थीटा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, सीकेंट जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यहाँ पर क्या होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये जो ड्रॉ किया सारा फिगर ड्रॉ किया है, इसमें देखने जैसे कि फर्स्ट में आल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, आया कि ये कैसे पॉजिटिव है और बाकी जो फोर है वो कैसे नेगेटिव है। तो हमने इनको प्रूव करना है कि फर्स्ट के अंदर हमारे पास आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं। तो देखते हैं, अगेन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एक्स वाई एक्सिस जो है ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को नेगेटिव वैल्यू की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ड्रॉ करेंगे एंगल थीटा, यहाँ पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है जिसके कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एंगल अप्लाई हो रहा है थीटा, या इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट ट्राई एंगल बन गई। ये देखें, ये जो राइट ट्राइंगल की ये जो साइड है ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के, तो हम इसको नाम भी दे देंगे एक्स का, और हमने इस पी पॉइंट को भी कहा है एक्स वाई। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की है तो ये एक्स एक्सिस पे होगी, सेकंड वैल्यू जो है ये जो डिस्टेंस हमने लिया है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये किसके अलोंग है, पी इस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम दे देंगे वाई का, ठीक है। और ये ओरिजिन है हमारे पास, जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए पी, ओ ए भी रख सकते हैं, बी सी डी कुछ भी रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक राइट ट्राइंगल, हमने ओ ए को कह दिया एक्स है और ए पी को कह दिया वाई है, लेकिन ओ पी हमारे पास क्या हो, तो इसको हम नाम दे लेते हैं आर का, ठीक है, ओ पी नाम दे लेंगे आर, या कह लें जी भी आप कह सकते हैं। तो अब राइट ट्राइंगल है, इससे हम शो करेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आई कहाँ से है, वो भी एक्चुअल में हमारे पास राइट ट्राइंगल से ही ड्रॉ हुई। तो हम राइट ट्राइंगल की हेल्प से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करेंगे कि फर्स्ट के अंदर कैसे ऑल पॉजिटिव है। तो हमारे पास फर्स्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ले लेते हैं जी साइन थीटा, चूंकि हमने एंगल को नाम दिया यहाँ पे, साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये जो साइड है परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है 90 का, तो ये साइड को हमने y का नाम दिया, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम पुट करेंगे y, ठीक है। इसी तरह हाइपोटेनियस हमारे पास है यहाँ पे r, तो इसको हमने नाम दे दिया आर का, हाइपोटेनियस की जगह पे आर पुट किया। याद रखें ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया, ये वाई पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा पॉजिटिव वाई,
और ये जो O से P, ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है, ये ऑलवेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसकी रीजन क्या है, हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, और उर्दू मीडियम वाले जो है वो मसला फिसागोरस के नाम से आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, रिजल्ट पढ़ा होगा कि वतर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो इन्होंने पढ़ा होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हाइपोटेनियस के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, हाइपोटेनियस को हमने नाम दिया आर्क, आर्क के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। बेस जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स, ठीक है, और उसके ऊपर स्केयर। अगर एक्स नेगेटिव भी होगा ऊपर स्केयर है, इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। और अगर परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर स्केयर है, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इसको हमने नाम तो दिया है परपेंडिकुलर वाई का, तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करें तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। इस बेस पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगी। तो अब साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू पॉजिटिव वाई है, हाइपोटेनियस ऑलवेज भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। सपोज एक्स की वैल्यू 2 ले लें, वाई की वैल्यू 3 ले लें, तो जब आप और ये हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 4 प्लस 9 स्केयर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप पॉजिटिव वैल्यू 3 को स्केयर रूट 13 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस स्केयर रूट 13, 3 को जब स्केयर रूट 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास साइन की वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। व्हेन कॉस थीटा किसके इक्वल पड़ा है, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास आल्सो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा पॉजिटिव एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये जो मैंने नाम दिए एक्स वाई और आर साइड्स को नाम दिए, एक्स इज एनी रियल नंबर, वाई इज आल्सो एनी रियल नंबर, एंड देन आर इज आल्सो आर रियल नंबर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस चूंकि पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू रेंडमली कोई भी आप रियल नंबर पुट कर लें तो चेक करेंगे, जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन, उसकी बात करते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा को हमने पढ़ा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास वाई है, बेस की वैल्यू एक्स है, और ये दोनों पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है। अगेन पॉजिटिव को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। रैक कितनी गई रहेगी, तीन, तीन जो है वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है, हाइपोटेनियस ओवर बेस के इक्वल होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो सीकेंट जो है वो हाइपोटेनियस ओवर बेस होगा, वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी तरह टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, कॉट का जो रेसिप्रोकल है वो टेन है, ठीक है, यानी एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है, तो कॉट किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये शो हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, अगर हमारे पास थीटा जो है, ठीक है, अगर हमारे पास थीटा हम ड्रॉ कर लेते हैं जी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 है थीटा, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को पी को, ये हमारे पास एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया बी के ऊपर, ये ओरिजिन ओ है। तो अब ये जो वैल्यू ये वाली ओरिजिन से इस बी पॉइंट तक किसके अलोंग है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के, तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी है फिर, नेगेटिव एक्स, क्लियर। और ये जो पॉइंट है P से B तक का डिस्टेंस, ये किसके अलोंग है, इस पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव
y, x और y is any real number, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे अगेन r का, ठीक है, क्योंकि hypotenuse always be positive, ये हम पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे trigonometric ratios की कि second quadrant के अंदर sine और cosecant ही क्यों positive हैं, बाकी positive क्यों नहीं है, बाकी negative क्यों है, तो उसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगेन यही रेशियोज हम यूज करेंगे, साइन कॉस और टैन के ये वाले फॉर्मूला। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि ये क्या होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन तो शो हो गया कि सेकंड में ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब साइन का रेसिप्रोकल भी साथ ही शो करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों ही पॉजिटिव है, तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, चूंकि साइन का ये रेसिप्रोकल है, इसी फार्मूले का आप रेसिप्रोकल ले लें, उलट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आर, पॉजिटिव आर ओवर पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर अगेन क्या आया, पॉजिटिव। अब अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे हैं, क्योंकि सेकंड में जस्ट टू रेशियोज पॉजिटिव थी जिनको हमने शो कर लिया, अब बाकी जो फोर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे आती हैं, कॉस, कॉस थीटा जो है वो सेकंड में नेगेटिव है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस की शॉर्ट फॉर्म में मैं एच वाई पी राइट कर रहा हूं, तो बेस की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव एक्स, ये बेस है हमारे पास जो कि नेगेटिव एक्स है, तो बेस की जगह मैं नेगेटिव एक्स पुट किया, हाइपोटेनियस आर जो है ये क्या है, पॉजिटिव। तो अब अगर आप देखें कि जब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर पर डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, सपोज मैं डिवाइड करता हूँ माइनस फाइव को प्लस टू पे डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो ये आंसर 2.5 आ जाएगा और माइनस में आ रहा है, तो इट्स मीन ये शो हुआ कि नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव प्रूफ हो गया। इसी तरह सेकंड जो रेशियो है कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, सीकेंट थीटा भी नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का रेसिप्रोकल है हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है यहां पे, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करते हैं अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब सेकेंड जो थर्ड पे है टैन, टैन थीटा हमारे पास क्या होगा, टैन को शो कर लेते हैं, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है और बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड किया जाता है आंसर क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है, टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट भी यहां पे क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, क्या आ जाएगा फिर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है, तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। तो ये शो हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी कॉस सिकेंट टैन एंड कॉट ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जस्ट दो रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी जो हैं वो सारी क्या हैं, नेगेटिव हैं। दो रेशियो कौन सी थर्ड में पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। तो अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, उसके साथ एंगल जहां पे जो बन रहा है वो क्या है, थीटा, ठीक है, थीटा एंगल यहां पे ड्रॉ किया
ये जो वैल्यू है बी से पी, ये किस एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के, लेकिन डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव वाई। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है कि ये किसके इक्वल है, नेगेटिव एक्स के इक्वल है। और ये जो है ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस आर। यहाँ पे चूंकि एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, और उसको हमने नाम दे दिया स्मॉल आर का। तो अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कि थर्ड में टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, अदर जो है वो क्यों पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो क्यों, कैसे? तो टैन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू नेगेटिव है, बेस की वैल्यू भी नेगेटिव है। ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव पे ही डिवाइड करते हैं तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो शो हुआ कि थर्ड में टैन पॉजिटिव है। अब बात करेंगे टैन के रेसिप्रोकल की, कॉट, कॉट थीटा इक्वल किसके है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस भी नेगेटिव एक्स है और परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव वाई। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, नेगेटिव और दोनों नेगेटिव, अगेन नेगेटिव और नेगेटिव आपस में, यानी माइनस और माइनस कैंसिल होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये तो प्रूफ हो गया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने रेशियोज राइट की थी टैन और कॉट, ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो है वो नेगेटिव है। तो साइन की बात करेंगे, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाई, और हाइपोटेनियस आर, जो कि पहले ही मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दी कि आर जो होगा ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो पॉजिटिव आर। तो नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो अब बात करेंगे साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, ठीक है, ऑरली इसको मैं बता रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आर ऊपर आएगा, नेगेटिव आई नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे, अगेन नेगेटिव आ जाएगा, यानी कोसिकेंट भी क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरह कॉस को डिस्कस कर लेते हैं, कॉस हीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेगेटिव एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव आर। जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आना है, नेगेटिव। तो शो हो गया कि थर्ड में जस्ट टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी साइन कोसिकेंट कॉस और सिकेंट नेगेटिव है, कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट है, इसको भी ऑरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस आएगा सिकेंट थीटा, हाइपोटेनियस की वैल्यू पॉजिटिव है, बेस की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव को जब नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए बेस पे हम कह सकते हैं कि थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव है और अदर साइन कॉस सिकेंट और कोसिकेंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास अगर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियोज पॉजिटिव थी, एक था कॉस थीटा और था सीकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव थी, बाकी जो थी वो चार नेगेटिव थी। तो फोर्थ में हम एंगल ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा बन रहा है एंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के, और इधर ये एक्स एक्सिस कौन सी साइड एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होगा, ये पॉइंट पी एक्स वाई इसको नाम देंगे, और ये जो हमने वैल्यू लिया ये किसके अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वाई, और ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो आर का नाम दे देंगे इसे, ठीक है। अब थर्ड में हमने ये शो करना है कि कॉज और सिकेंड पॉजिटिव है, तो कॉज थीटा हमारे पास क्या है, कॉज थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास ये है, बेस पॉजिटिव एक्स है, तो बेस की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, हाइपोटेनियस आर आल्सो जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर बी क्या आता है, पॉजिटिव। अब कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस ओवर
बेस, हाइपोटेन्यूस बी हमारे पास पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब रह गई चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो नेगेटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, वो कौन सी हैं, कॉस सेकेंट पॉजिटिव है, तो जो बाकी चार हैं साइन टेन कॉट कोसेकेंट ये नेगेटिव है, तो साइन किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है ठीक है, परपेंडिकुलर यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाई, हाइपोटेनियस क्या है पॉजिटिव आर ठीक है, तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट ऑरली इसको डिस्कस कर लेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, तो जब हाइपोटेनियस पॉजिटिव है परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब लास्ट जो है वो हम टेन को डिस्कस करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहां पे नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई ओवर पॉजिटिव एक्स, क्योंकि बेस ये है पॉजिटिव एक्स है, जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन क्या आएगा, नेगेटिव। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है उसको भी ऑरली डिस्कस कर लेते हैं, कॉट थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव बेस है नेगेटिव परपेंडिकुलर है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन नेगेटिव आएगा, तो शो ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेकेंट जो है ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो है साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट ये नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरेवाला, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो इससे हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ठीक है, इस साइड पे राइट साइड पे एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह इस साइड पर हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हमें प्रूव करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं, कि जैसा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बाउंड्री एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 है और ये 360 डिग्री है। इन एंगल्स को 90 डिग्री को, 180 को, 270 और 360 डिग्री को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं, ये MCQs भी है ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स भी बोलते हैं। और सेकंड नेम जो है इनका वो ये है कि 90, 180, 270 और 360 डिग्री को हम बाउंड्री एंगल्स भी बोल सकते हैं ठीक है, 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते, बल्कि इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, ये चीज़ जहन में रखनी है। इसी तरह अब अगर ये जो एक्सिस है ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है किसकी, एक्स की, ये जो अपवर्ड वाई एक्सिस है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई की, और लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है नेगेटिव, डाउनवर्ड वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इन बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें शो करना है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ठीक है, फर्स्ट के अंदर आल जो है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। सेकेंडली, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट जो है 2 रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और अदर जो 4 रेशियोज हैं, जो रिमेनिंग 4 रेशियोज हैं वो क्या हैं, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखते हैं कौन सी रेशियोज पॉजिटिव हैं, साइन
जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर हमारे पास ये कब पॉजिटिव होगा, व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास अगर जो एंगल है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ पे थीटा अगर सेकंड में बन रहा है तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इसी तरह सेकंड जो वैल्यू है वो कौन सी है, कोसीकेंट, कोसीकेंट थीटा, साइन थीटा और ये भी ग्रेटर देन पॉजिटिव लिखेंगे। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। जी एज कॉस थीटा है, टेन है, सीकेंट है, ठीक है, और कॉट है, ये सारे नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट की, व्हेन एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो हमारे पास कौन सी दो रेशियोज पॉजिटिव होंगी, तो देखते हैं टेन जो है टेन थीटा पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास एंगल थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड टेन का जो रेसिप्रोकल है कॉट, कॉट भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और अदर फोर रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो थर्ड में नेगेटिव होंगी। तो अब आते हैं लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉज थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होगा तो कॉज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉज का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट थीटा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, सीकेंट जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यहाँ पर क्या होंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये जो ड्रॉ किया है, सारा फिगर ड्रॉ किया है, इसमें देखने जैसे कि फर्स्ट में आल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, आया कि ये कैसे पॉजिटिव है और बाकी जो फोर हैं वो कैसे नेगेटिव हैं। तो हमने इनको प्रूव करना है कि फर्स्ट के अंदर हमारे पास आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं। तो देखते हैं, अगेन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एक्स वाई एक्सिस जो है ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को नेगेटिव वैल्यू की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस हैं और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ड्रॉ करेंगे एंगल थीटा, यहाँ पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है जिसके कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एंगल अप्लाई हो रहा है थीटा, या इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट ट्राई एंगल बन गई। ये देखें, ये जो राइट ट्राइंगल की ये जो साइड है ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के, तो हम इसको नाम भी दे देंगे एक्स का, और हमने इस पी पॉइंट को भी कहा है एक्स वाई। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की है तो ये एक्स एक्सिस पे होगी, सेकेंड वैल्यू जो है ये जो डिस्टेंस हमने लिया है परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये किसके अलोंग है, पी इस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम नाम दे देंगे वाई का, ठीक है। और ये ओरिजिन है हमारे पास, जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए पी, ओ ए भी रख सकते हैं, बी सी डी कुछ भी रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक राइट ट्राइंगल है, हमने ओ ए को कह दिया एक्स है और ए पी को कह दिया वाई है, लेकिन ओ पी हमारे पास क्या होगा, तो इसको हम नाम दे लेते हैं आर का, ठीक है, ओ पी नाम दे लेंगे आर, या कह लें जी भी आप कह सकते हैं। तो अब राइट ट्राइंगल है, इससे हम शो करेंगे कि आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव कैसे हैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आई कहाँ से हैं, वो भी एक्चुअल में हमारे पास राइट ट्राइंगल से ही ड्रॉ हुई हैं। तो हम राइट ट्राइंगल की हेल्प से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करेंगे कि फर्स्ट के अंदर कैसे आल पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास फर्स्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ले लेते हैं जी साइन थीटा, चूंकि हमने एंगल को नाम दिया, यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये जो साइड है परपेंडिकुलर है, चूंकि यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है 90 का, तो ये साइड को हमने y का नाम दिया, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम पुट करेंगे y, ठीक है। इसी तरह
हाइपोटेन्यूस हमारे पास है यहाँ पे आर, तो इसको हमने नाम दे दिया आर का, हाइपोटेन्यूस की जगह पे आर पुट किया। याद रखें ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया, ये वाई पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा पॉजिटिव वाई। और ये जो ओ से पी, ओरिजिन से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है, ये ऑलवेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसकी रीजन क्या है, हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, और उर्दू मीडियम वाले जो है वो मसला फिसागोरस के नाम से आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, रिजल्ट पढ़ा होगा कि वतर का स्केयर इक्वल कायदा का स्केयर जमा अमूद का स्केयर। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो इन्होंने पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूस स्केयर इक्वल बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो अब हाइपोटेन्यूस के ऊपर स्केयर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस को हमने नाम दिया आर का, आर के ऊपर भी स्केयर आ गया। बेस जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स, ठीक है, और उसके ऊपर स्केयर। अगर एक्स नेगेटिव भी होगा ऊपर स्केयर है, इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। और अगर परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर स्केयर है, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इसको हमने नाम तो दिया है परपेंडिकुलर वाई का, तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करें तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। इस बेस पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगी। तो अब साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू पॉजिटिव वाई है, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। सपोज एक्स की वैल्यू 2 ले लें, वाई की वैल्यू 3 ले लें, तो जब आप, और ये हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 4 प्लस 9 स्केयर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप पॉजिटिव वैल्यू 3 को स्केयर रूट 13 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस स्केयर रूट 13। 3 को जब स्केयर रूट 13 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास साइन की वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, व्हेन कॉस थीटा किसके इक्वल पड़ा है, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास आल्सो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा पॉजिटिव एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये जो मैंने नाम दिए हैं एक्स वाई और आर साइड्स को नाम दिए, एक्स इज एनी रियल नंबर, वाई इज आल्सो एनी रियल नंबर, एंड देन आर इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस चूंकि पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू रैंडमली कोई भी आप रियल नंबर पुट कर लें तो चेक करेंगे, जब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन, उसकी बात करते हैं। टैन थीटा, टैन थीटा को हमने पढ़ा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास y है, बेस की वैल्यू x है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। अगेन पॉजिटिव को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। रैक कितनी कहीं रहेगी, तीन, तीन जो है वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के इक्वल होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो सीकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होगा, वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी तरह टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, कॉट का जो रेसिप्रोकल है वो टैन है, ठीक है, यानी एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है, तो कॉट किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये शो हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अगर हमारे पास थीटा जो है, ठीक है, अगर हमारे पास थीटा हम ड्रॉ कर लेते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 है थीटा, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को पी को, ये हमारे पास एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया बी के ऊपर, ये ओरिजिन ओ है। तो
तो अब ये जो वैल्यू ये वाली ओरिजिन से इस बी पॉइंट तक किसके अलॉन्ग है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के, तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी है फिर, नेगेटिव एक्स, क्लियर। और ये जो पॉइंट है पी से बी तक का डिस्टेंस, ये किसके अलॉन्ग है, इस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव वाई, एक्स और वाई इज एनी रियल नंबर, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे अगेन आर का, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हम पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट ही क्यों पॉजिटिव हैं, बाकी पॉजिटिव क्यों नहीं है, बाकी नेगेटिव क्यों है, तो उसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगेन यही रेशोज हम यूज़ करेंगे, साइन कॉज और टैन के ये वाले फॉर्मूला। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास, मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन तो शो हो गया कि सेकंड में ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब साइन का रेसिप्रोकल भी साथ ही शो करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट दोनों ही पॉजिटिव है, तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, चूंकि साइन का ये रेसिप्रोकल है, इसी फार्मूले का आप रेसिप्रोकल ले लें, उलट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आर, पॉजिटिव आर ओवर पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर अगेन क्या आया, पॉजिटिव। अब अदर जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे हैं, क्योंकि सेकंड में जस्ट टू रेशोज पॉजिटिव थी जिनको हमने शो कर लिया। अब बाकी जो फोर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको शो करेंगे कि वो नेगेटिव कैसे आती हैं, कॉस कॉस थीटा जो है वो सेकंड में नेगेटिव है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस की शॉर्ट फॉर्म में मैं एच वाई पी राइट कर रहा हूँ, तो बेस की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव एक्स, ये बेस है हमारे पास जो कि नेगेटिव एक्स है, तो बेस की जगह पर नेगेटिव एक्स पुट किया, हाइपोटेन्यूस आर जो है ये क्या है, पॉजिटिव। तो अब अगर आप देखें कि जब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। सपोज मैं डिवाइड करता हूँ माइनस फाइव को प्लस टू पे डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो ये आंसर 2.5 आ जाएगा और माइनस में आ रहा है, तो इट्स मीन ये शो हुआ कि नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव प्रूव हो गया। इसी तरह सेकंड जो रेशियो है कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, सीकेंट थीटा भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है यहाँ पे, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करते हैं अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब सेकंड जो थर्ड पे है टैन, टैन थीटा हमारे पास क्या होगा, टैन को शो कर लेते हैं, टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है और बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड किया जाता है आंसर क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है। टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट भी यहां पे क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, क्या आ जाएगा फिर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई है, तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। तो ये शो हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट साइन और कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी कॉस सेकेंट टैन एंड कॉट ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जस्ट दो रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी जो हैं वो सारी क्या हैं, नेगेटिव हैं।
दो रेशो कौन सी थर्ड में पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। तो अगर एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, उसके साथ एंगल जहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, थीटा, ठीक है, थीटा एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। ये जो वैल्यू है बी से पी, ये किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के, लेकिन डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव वाई, ठीक है। ये वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की है कि ये किसके इक्वल है, नेगेटिव एक्स के इक्वल है। और ये जो है ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस आर। यहाँ पे चूंकि एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और उसको हमने नाम दे दिया स्मॉल आर का। तो अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, के थर्ड में टैन और कॉट ही पॉजिटिव हैं, अदर जो हैं वो क्यों पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो क्यों, कैसे। तो टैन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू नेगेटिव है, बेस की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव पे ही डिवाइड करते हैं तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो शो हुआ कि थर्ड में टैन पॉजिटिव है। अब बात करेंगे टैन के रेसिप्रोकल की, कॉट, कॉट थीटा इक्वल किसके है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस भी नेगेटिव एक्स है और परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव वाई। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, नेगेटिव और दोनों नेगेटिव है। अगेन नेगेटिव और नेगेटिव आपस में, यानी माइनस और माइनस कैंसिल होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये तो प्रूफ हो गया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने रेशियोज राइट की थी, टैन और कॉट, ये पॉजिटिव है, अदर फोर जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो साइन की बात करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाई, और हाइपोटेनियस आर, जो कि पहले ही मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दी कि आर जो होगा ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो पॉजिटिव आर। तो नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो अब बात करेंगे साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, ठीक है, ऑरली इसको मैं बता रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आर ऊपर आएगा, नेगेटिव आई नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे, अगेन नेगेटिव आ जाएगा, यानी कोसिकेंट भी क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरह कॉस को डिस्कस कर लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव आर। जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आना है, नेगेटिव। तो शो हो गया कि थर्ड में जस्ट टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी साइन कोसिकेंट कॉस और सिकेंट नेगेटिव है। कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट है, इसको भी ऑरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस आएगा सिकेंट थीटा, हाइपोटेनियस की वैल्यू पॉजिटिव है, बेस की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव को जब नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए बेस पे हम कह सकते हैं कि थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव है और अदर साइन कॉस सिकेंट और कोसिकेंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास अगर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियोज पॉजिटिव थी, एक था कॉस थीटा और था सिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव थी, बाकी जो थी वो चार नेगेटिव थी। तो फोर्थ में हम एंगल ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा बन रहा है एंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के, और इधर ये एक्स एक्सिस कौन सी साइड एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होगा। ये पॉइंट पी एक्स वाई इसको नाम देंगे, और ये जो हमने वैल्यू लिया ये किसके अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वाई, और ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो आर का नाम दे देंगे इसे, ठीक है। अब थर्ड में हमने ये शो करना है कि कॉज और सिकेंट पॉजिटिव है, तो कॉज थीटा हमारे पास क्या है, कॉज थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास ये है,
बेस पॉजिटिव एक्स है तो बेस की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूस आर आल्सो जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर बी क्या आता है, पॉजिटिव। अब कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस बी हमारे पास पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब रैगिंग चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो नेगेटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो कौन सी हैं, कॉस सेकेंड पॉजिटिव है, तो जो बाकी चार हैं साइन टैन कॉट कोसेकेंड ये नेगेटिव है। तो साइन किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाई। हाइपोटेन्यूस क्या है, पॉजिटिव आर, ठीक है। तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, ऑरली इसको डिस्कस कर लेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, तो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो जब हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब लास्ट जो है वो हम टैन को डिस्कस करेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई ओवर पॉजिटिव एक्स, क्योंकि बेस ये है पॉजिटिव एक्स है। तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन क्या आएगा, नेगेटिव। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है उसको भी ऑरली डिस्कस कर लेते हैं। कॉट थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव बेस है, नेगेटिव परपेंडिकुलर है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे अगेन नेगेटिव आएगा। तो शो ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट जो हैं ये पॉजिटिव हैं, अदर फोर जो हैं साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट ये नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।